Hello, students. How are you all? Hopefully, you all are good. So, now let's come back to our topic, and that is conjunctions. We were doing conjunctions, and in previous three videos, we have understood coordinating conjunctions. So, now it's time to understand correlative conjunctions. Now, what are these? You can see on your screen. कोरलेटिव कंजंक्शंस एंड यू एंड मेक श्योर दैट यू हैव टू मेक योर नोट्स लाइक दिस ओनली इन योर नोट बुक्स इन योर इंग्लिश टू नोटबुक्स सुल नाओ लेट स्टार्ट दिस कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूजड इन पेयर्स एंड दे आर यूज टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अन्टेंस टूगेदर वॉट डज इट मीन्स कोरलेटिव कन्जंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली कोरलेटिव कंजंक्शंस वही वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं बट ये कंजंक्शन की डेफिनेशन है बट को क्या होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं जैसे कि जो एक साथ यूज़ होते हैं कभी भी अलग अलग यूज़ नहीं होते हैं ऐसे वर्ड्स ठीक है हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पढ़ा था वो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं बट वो ऐसा नहीं था कि एक साथ ही यूज़ होते हैं है ना बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे को मतलब रिलेट करते हैं दो वर्ड्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं दो वर्ड या डिफरेंट वर्ड्स या ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करने में या सेंटेंस को इकट्ठा एक, एक बनाने में लेट्स ही आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट हमने लिया है बोथ एंड एंड ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो एक साथ यूज होंगे जब भी बोथ और एंड दोनों एक साथ यूज होंगे एक सेंटेंस में पूरे सेंटेंस को कंप्लीट ज्वाइन करने के लिए तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस लेट सी वेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट देन बोथ एंड एंड आर यूज इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट मतलब जिनके बारे में बात करते हैं हम या जिस uh, चीज़ पर फर्क पड़ता है इम्पैक्ट पड़ता है अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं तो बोथ और एंड दोनों ही एक साथ यूज़ होते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट एग्जाम्पल बोथ बियर एंड डोरेमोन आर ओवरप्राइज अब देखो बियर और डोरेमोन को मैंने बॉक्स में रखा है ये आपके uh, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं हम बात किसके बारे में कर रहे हैं सेंटेंस में अगर आपने देखा है ध्यान से तो बियर और डोरेमोन के बारे में बात कर रहे हैं ना इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ है कि दोनों टेडिबियर और डोरेमोन दोनों ही ओवर प्राइज हैं ओवर मींस मीन्स महंगे हैं कॉस्टली हैं राइट यू कैन से कॉस्टली तो यहां पे इसलिए दोनों क्योंकि इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं या तो आप बियर लोगे या डोरेमोन टॉय टॉयज में या तो बियर या डोरेमोन कोई भी जाएगा अगर ऑप्शन है सामने तो क्या ही लेंगे या तो बियर या डोरेमोन तो यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं इसलिए हमने यहाँ पे बोथ भी यूज़ किया है एज को रिलेटिव कंजंक्शन एंड एंड भी ऑल राइट नॉलेज सी सेकेंड एग्जाम्पल आई विल बोथ विन द कॉम्पिटिशन एंड बीट द रिकॉर्ड इट मीन्स मैं कॉम्पटिशन भी जीतूंगा और रिकॉर्ड भी, भी बीट करूँगा या करूँगी जैसे कि हम बोलते हैं कभी कभी कि मैं कॉम्पटिशन भी जीतूँगा होता है ना कि एक कोई कॉम्पिटन है आर्ट कॉम्पिटिशन है इंग्लिश कॉम्पिटिशन है कोई भी कॉम्पिटन है तो बच्चे कहते हैं ना कि मेरे को कॉम्पिटिशन भी जीतना है लेकिन मुझे अपना रिकॉर्ड भी तोड़ना है रिकॉर्ड तोड़ना है मतलब कि पिछली बार मेरे कॉम्पिटन में इतने आए थे मैं जीता था लेकिन मेरे इतना स्कोर आया था लेकिन इस बार मैं कॉम्पिटिशन तो जीतूंगा ही साथ में अपना जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था वो ब्रेक करके आगे बढ़ूंगा जैसे सपोज किसी के मार्क्स थे लास्ट ईयर नाइन्टी परसेंट राइट तो इस बार भी वो वो फर्स्ट आया था लास्ट लास्ट टाइम तो इस बार भी वो स्टूडेंट सोचता है कि मैं मैं इस बार भी फर्स्ट आऊंगा लेकिन साथ में अपना रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा जैसे कि फर्स्ट आऊंगा लेकिन 90 परसेंट से ज्यादा लाऊंगा 95 परसेंट लाऊंगा तो ये हो गया रिकॉर्ड तोड़ना तो इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं दोनों बात हो रही है दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं कॉम्पिटिशन भी जीतना है और रिकॉर्ड भी तोड़ना है तो इसलिए हमने बोथ और एंड दोनों एक साथ यूज किए है ना तो ये क्या हुआ को रिलेटिव कंजंक्शन ओके इन द नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस थर्ड आई बोथ रिस्पेक्ट एंड हेल्प माई मदर मैं दोनों करता हूँ मतलब दोनों जैसे मैं अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनकी हेल्प भी करता हूँ तो ये दोनों रिस्पेक्ट और हेल्प दोनों एक ही बात इक्वल इंपॉर्टेंस हो गई ना रिस्पेक्ट भी करना आदर भी करना बड़ों का और हेल्प भी करना उनकी तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस है तो दोनों वर्ड में हमने यूज़ किए हैं एज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस स्टेक अनदर वर्ड्स अनदर कोरलेटिव कंजंक्शन हम ले सकते हैं ईधर और और ये दोनों भी वर्ड्स एक साथ ही यूज होते हैं देखते हैं किस कैसे These conjunctions are used to give a choice between two objects in a sentence. Yes, कोई भी एक sentence है उसमें कोई भी दो objects हैं जिसमें आपको choose करना है choice रखनी है कि choice है आपके पास या तो ये लेना है या ये लेना है या ये या वो तो जब ऐसे uh, sentence में ऐसे choice होती है तो तब वहाँ पर हम क्या use करते हैं Either और 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 दोनों ही एक साथ यूज़ होते हैं कभी भी अलग अलग यूज़ नहीं होते हैं और यूज़ हो सकता है बट जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस होती है और ये दोनों ही वर्ड यूज़ होते हैं देखते हैं किस तरह से लेट सी इट्स एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन इधर टेक द लॉन्ग एंड ईजी रूट और द शॉर्ट एंड डिफिकल्ट रूट ये पूरा एक सेंटेंस है देखो यहाँ पे कैसे यूज़ किया है इन्होंने उन्होंने बोला है कि तुम या तो फिर लॉन्ग रूट ले सकते हो मतलब लंबा रास्ता चूज कर सकते हो और जो लंबा रास्ता है वो बहुत इजी रूट है या फिर तुम शॉर्ट रास्ता चूज़ कर सकते हो लेकिन वो डिफ़िकल्ट रूट है तो मैंने बोला ना जिस तरह से मैं हिंदी में बोल रही हूँ या वो रूट या या लॉन्ग रूट या फिर शॉर्ट रूट तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ यूज़ किया है इधर और और सो so ये भी एक रिले को रिलेटिव कंजशन हुआ सेकेंड इधर मदर और फादर हैज़ टू अटेंड द मीटिंग या तो फादर अटेंड करेंगे मीटिंग या फिर मदर तो चॉइस आ गई ना या मम्मा या फादर और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है राइट सेकेंड यू विल इधर गेट अ बाइसिकल और अ वीडियो गेम फॉर योर बर्थडे सपोज आपका बर्थडे आ रहा है आप दो चीज़ें कहते हो मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी बट पेरेंट्स कहते हैं या तो आपको ये मिलेगा या ये तो यहाँ पे जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं और हमें एक सेंटेंस को कंबाइन करना है तो हमने ऑप्शन में आपको दिया है या तो आप बाइसिकल मिलेगी आपको या फिर वीडियो गेम राइट तो ऑप्शन के लिए जब चॉइस है दो ऑब्जेक्ट्स में ये बाइसिकल क्या है ऑब्जेक्ट और वीडियो गेम वो भी ऑब्जेक्ट है दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है बाइसिकल बाहर चलाने के लिए वीडियो गेम घर में खेलने के लिए बट दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस तो है ना तो इधर यूज़ किया या फिर और यूज़ किया हमने दोनों की चॉइस के लिए राइट नाउ लेट सी अनदर वन अनदर कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट इज नीदर और नॉर ये भी दोनों एक साथ यूज होते हैं ना ये और ना ही वो जैसे ईधर और, और में तो चॉइस थी कि या तो फिर ये या फिर ये ठीक है ना नीदर और नॉर मतलब ना ये और ना ही ये जब मना ही कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है दीज कंजंक्शंस आर यूज वेन वी डोंट वॉन्ट टू चूज़ एनी ऑप्शन आउट ऑफ द टू गिवेन ऑप्शन येस जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और हम दोनों में से ऑप्शन कोई भी चूज़ नहीं कर रहे हैं हमें दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो तब हम कौन से कंजंक्शन को रिलेटिव कंजंक्शन यूज़ करते हैं नीदर एंड नॉर लेट्स सी हाउ फर्स्ट एग्जाम्पल नीदर अक्षित नॉर अंकिता ब्रोक द ग्लास इट वॉज आर पेट डॉग टॉमी यहां मैं बता रही हूं कि ना ही अक्षित ने ग्लास तोड़ा था और ना ही अंकिता ने तोड़ा था ये तो हमारा डॉग था पेट डॉग था टॉमी जिसने वो ग्लास तोड़ा था तो यहाँ पे इसलिए हमने यूज किया है कि दोनों ने ही ये काम नहीं किया तो इसलिए हमने नीदर और नॉर एक साथ यूज किया एक सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए और ये क्या हुआ कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉलेट सी अनदर एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन ही इज नीदर अपसेट नॉर हैप्पी जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं कहते हैं ना कि ना तो वो दुखी है और ना ही वो खुश है तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या नीदर एंड नॉर दोनों ही उनको ज्वाइन करने के लिए क्योंकि अपसेट भी एक ऑब्जेक्ट है और हैप्पी भी दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं ना वो दुखी है और ना ही वो खुश है ही इज नीदर अपसेट नॉर हैप्पी एनदर एग्जाम्पल थर्ड शॉपकीपर नीदर हैव चॉकलेट नॉर चॉकलेट बिस्किट्स शॉपकीपर के, के पास ना तो ही ना ही चॉकलेट्स हैं और ना ही चॉकलेट के बिस्किट्स हैं तो जब हमने हम किसी शॉप पे गए हमें कुछ चाहिए और हमने एक डिमांड रखी शॉपकीपरने का ये नहीं है और दूसरी चीज़ रखी हमने डिमांड तो के पढ़ने का वो भी नहीं है तो हम यही तो बोलेंगे ना इंग्लिश में शॉपकीपर नीदर हैव हाँ चॉकलेट्स नॉर चॉकलेट बिस्किट तो यहाँ पर को कंजंक्शन वर्ड्स क्या हैं नीदर एंड नॉर्थ दोनों ही एक साथ यूज हुए हैं राइट नॉलेज सी अनदर वन नॉट ओनली बट ऑल्सो ये दोनों ही एक साथ यूज होते हैं कंजंक्शन ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है देखते हैं कैसे यूज होते हैं इट इज़ यूज वेन टू सेंटेंसेज आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर बट बोथ ऑफ दैम आर ट्रू ये दोनों वर्ड्स तब यूज होते हैं जब आपके दो सेंटेंसेज हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं बट दोनों ही ट्रू होते हैं बिल्कुल सही होते हैं तब हम ये दोनों वर्ड्स यूज़ करते हैं यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ करते हैं लेट्स सी हाउ टेक फर्स्ट एग्जांपल ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो वेरी काइंड देखो कॉमा से पहले मैंने बताया था कि वो क्या होते हैं कंजंक्शन से यूज़ करने से पहले जो कॉमा आता है तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग हम बता रहे हैं कि वो सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं है ये अलग हो गया ना ये सेंटेंस उसके बाद बोल रहे हैं बट आल्सो वेरी काइंड ये अलग हो गया लेकिन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ये दो uh, आपके वर्ड्स इनको बोलते हैं को रिलेटिव कंजक्शन ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो वेरी काइंड वो ना ही सिर्फ हार्ड वर्किंग है मेहनती ही नहीं वो, वो सिर्फ मेहनती ही नहीं वो एक काइंड पर्सन भी है वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है राइट नॉलेट सी अनदर एग्जाम्पल दे आर नॉट ओनली फ्रेंडली बट ऑल्सो हेल्पफुल ये भी आपका ऐसा ही है वो सिर्फ फ्रेंडली ही नहीं है बट वो हेल्पफुल भी हैं राइट सो यहाँ पर हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों ही क्योंकि ट्रू हैं सही बात है ट्रू फैक्ट है तो हमने कोरलेटिव कंजक्शन ऐसे यूज़ किए हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल आई एम नॉट ओनली इल बट ऑल्सो अपसेट मैं सिर्फ बीमार ही नहीं हूँ मैं दुखी भी हूँ ओ, दोनों सेंटेंस डिफरेंट थे दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंस के थे और दोनों ही डिफरेंट बिल्कुल सेंटेंस थे तो हमने इनको कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है कोरलेटिव कंजंक्शन और ये फैक्ट दोनों ट्रू थे कि मैं सिर्फ बीमार ही नहीं मैं अपसेट भी हूँ तो इसलिए दोनों ट्रू फैक्ट्स को हमने कंबाइन किया है कोरोलेटिव कंजंक्शन से नॉट ओनली बट ऑल्सो करेक्ट किड्स आई थिंक आपको समझ में आए होंगे किस तरह से कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे कोरिलेटिव रिलेटिव कंजक्शन होते हैं बट आपके लिए अभी इतना इनफ है